डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 और 30। अब देखें, चैप्टर नंबर 11 पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और अब देखें पहले एमसीक्यूज़ है डोमेन ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स की डोमेन क्या होगी। अब देखें डोमेन इसकी होगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, क्यों कि इसकी रेंज क्या होती है माइनस वन से प्लस वन तक, तो लिहाजा डोमेन इसकी क्या हो जाएगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन, अब देखें टेंजेंट की रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या बनते हैं रियल नंबर, तो लिहाजा टेंजेंट फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज आर ए। पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, अब देखें चैप्टर 11 में जो पीरियड की डेफिनेशन बताई गई थी, तो आप क्या बताया गया था आपको कि एंगल में मगर फंक्शन में ऐसा एंगल ऐड करें जिससे आंसर में कोई फर्क ना आए। तो अब देखें आपको बताया गया था कि साइन कोस कोसेकेंट सेकेंट इनके एंगल में क्या ऐड करते हैं 2π, टेन और कॉट इसमें ऐड करते हैं पाई। अब आपके पास फंक्शन है साइन, तो लिहाजा इसमें क्या ऐड होगा 2π, तो इसका पीरियड क्या बन जाएगा 2π। नेक्स्ट है जी पीरियड ऑफ कोस एक्स बाई फाइव इज, तो बेहतर है कि इसमें तुक्का ना लगाएं, इसको हल कर लें। कोस एक्स बाई फाइव, अब देखें कोस का फंक्शन है तो एक्स बाई फाइव इसमें ऐड होगा 2π, एक्स का कोफिशन 1 होना चाहिए तो 1 बाई फाइव कॉमन, तो 5 × 10π, तो इसका पीरियड आपके पास क्या बन जाएगा 10π। सो पीरियड ऑफ कोस एक्स बाई फाइव इज 10π, ऑप्शन ए। टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, ये तो 2π/3। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे जी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, तो किस एंगल पे टेन की वैल्यू माइनस के रूट 3 होती है, दैट इज टेन 2π/3, तो लिहाजा इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 2π/3। नेक्स्ट है जी साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। अब देखें फार्मूला गिवन है साइन इनवर्स ए इंटू 1 − b² प्लस बी इंटू 1 − a² किसका फार्मूला बनता है। अब देखें उनके दरमियान में प्लस है तो और साइन है, तो इसका मतलब फार्मूला क्या बन जाएगा साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, तो इसकी ऑप्शन क्या बन जाएगी ए। साथ में जी इनवर्स फंक्शन ओनली एग्जिस्ट, अब देखें इनवर्स के लिए कंडीशन होती है कि अगर फंक्शन 1:1 होगा तो आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर फंक्शन 1:1 नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिहाजा इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा कि जब फंक्शन आपके पास क्या होगा 1:1। और लास्ट है जी साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2, इसको दो तरीकों से हल करेंगे, ये साइन साइन इनवर्स से कैंसिल होगा आंसर क्या आ जाएगा 1/2, या एक और तरीका इसका है जी साइन साइन इनवर्स 1/2, तो किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री, और साइन 30 1/2, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी 1/2, दैट इज ऑप्शन ए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर 11 और 13, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, आप इनको अच्छी तरीके से सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।